देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की सियासत में रोज नित नई डेवलपमेंट सामने आती हैं। कभी डील की बातें होती हैं, कभी डायलॉग होता नजर आता है, लेकिन इस बार सूरत हाल कुछ वैसे ही नजर आ रही है जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था। एक बड़ी अहम मुलाकात हुई सदर पाकिस्तान और पाकिस्तान के मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब के दरमियान, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और इसहाक डार साहब के दरमियान ये जो मुलाकात रही, ये काफी सारे एतबार से बहुत अहमियत की हामिल थी। ये कहा जाए कि अगर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तमाम तर डायलॉग सदर पाकिस्तान के थ्रू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या उन तमाम तर डायलॉग्स को सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब लीड कर रहे हैं, तो गलत ना होगा। दूसरी जाने पाकिस्तान मुस्लिम नून के एतबार से कहा जा सकता है कि इसहाक डार साहब वो चेहरा है जिसको पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है बे इंतहा ट्रस्ट करते हैं, उनके ऊपर एतबार करते हैं और काफी सारे मामलात में उनके काफी ज्यादा करीबी पाए जाते हैं। ये सारी मुलाकातें इस बात की तरफ इशारा तो दे रही है कि कुछ होता नजर आ रहा है, कुछ डायलॉग्स हो रहे हैं, कुछ पीछे पर्दे के पीछे कुछ मामलात हैं जो तय किए जा रहे हैं या करने की कोशिश की जा रही है। सवाल से क्या मामलात हैं और क्या होता दिखाई दे रहा है, सवाल से ज्वाइन करें हमें सीनियर सहाफी तजयकार जनाब रिजवान शाह साहब। जरा इनसे जानेंगे कि ये जो डायलॉग का अमल हम देखते हैं कि शुरू होता है खत्म होता है, इसके बाद कोई ब्रेक थ्रू नजर नहीं आता, उसकी क्या वजह है? शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मुनीर भाई, कैसे हैं आप? शाह साहब ये बताइएगा कि ये जो हम देखते हैं कि अक्सर मुलाकातें होती हैं और कभी कभार ऐसा लगता है कि मामला डिफ्यूज होने की तरफ है, लेकिन फिर कुछ मामलात निकलते हैं, कुछ तब्दीली होती है और फिर पाकिस्तान की सियासत अपने उरूज पर नजर आती है, ये मुलाकात के पस मंजर क्या है? देखिए बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त तेजी से डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, बल्कि हमें कहना चाहिए कि डिफॉल्ट के इनिशियल फेज में पाकिस्तान दाखिल हो चुका हुआ है, जबकि हमारे पास 6.9 अरब डॉलर के टोटल जखायर रह गए हैं, तो उस सूरत में अब सबको इस बात का एहसास हो रहा है कि सबसे जरूरी बात है कि पाकिस्तान किस तरह रहेगा, पाकिस्तान किस तरह इस डिफॉल्ट से बचेगा। तो उसके लिए बिल्कुल सदर अलवी साहब अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि वो किस तरीके से एक जो सियासी कशीदगी है उसको कम कराएं। तो इसके लिए बिल्कुल अपना किरदार, ये कोशिश है, आप यकीन तौर पर हो तो रही है, लेकिन इसके बाद कुछ रिजल्ट निकलता हुआ नजर आ रहा है क्या? इलेक्शन जिसकी बात की जा रही थी कि इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी, वो तारीख मिलती हुई नजर आ रही है आपको? देखें मुनीर भाई, मेरी नजर में मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, मैं किसी की भी बात नहीं करता, मैं बात करूंगा इस वक्त पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, सियासत भी होगी, सियासत भी होगी, हर मामला चलेंगे, तो पाकिस्तान की खातिर अब इनको कुछ स्टेप सबको लेना पड़ेगा, कोई हल निकालना पड़ेगा, इस सियासी बहरान को खत्म भी करना पड़ेगा और किस तरह पाकिस्तान आगे बढ़े इसके ऊपर बिल्कुल कोई अमली अब जामा पहनाने के लिए बहुत जरूरी हो गया कि कोई ऐसा तरीकाकार वजह किया जाए। उसके लिए सदर साहब भी कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए मैं उम्मीद रखता हूं कि हुकूमत भी अपना फर्ज निभाएगी, क्योंकि सबसे अहम पाकिस्तान है, क्योंकि अभी तक हुकूमत की तरफ से वो इकदाम नजर नहीं आए जो आवाम को मिलने चाहिए थे, लेकिन सारी चीजें भी हम साइड पर करते हैं। हम पहला अवलीन सवाल ये करते हैं कि पाकिस्तान को इस बहरान से कैसे निकाला जाएगा और इसके लिए कोशिशें हो रही हैं। अच्छा, कोशिश तो आपने बिल्कुल कहा हो रही है और काफी सारे मामला से कोशिश भी की जा रही होगी, लेकिन अगर इन कोशिशों में अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका तो इसके पीछे रुकावट क्या है? वो कौन सी एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान में जो ये मौजूदा सूरत हाल है वो डिफ्यूज नहीं हो पा रही, सियासत के एतबार से डायलॉग्स किसी आखिरी मराइल में दाखिल नहीं हो पाते, वो कौन सी चीज है जो तमाम तर मामला को रोक रही है? देखिए मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आपको पता है मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूँ, ना किसी का खौफ रखता हूँ, खौफ अल्लाह का रखता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुकूमत को तमाम चीजों से बालातर होकर इस डायलॉग के अंदर जाना चाहिए, फिर इसका हल निकलेगा। लेकिन हुकूमत अगर अपने मुफादात को मद्देनजर रखते हुए उस सूरत में डायलॉग को एक शर्त की सूरत में करेगी कि हमारी कुछ शर्तें मानी जाए और ये डायलॉग किए जाए तो ये कभी कामयाब। और ये शर्तें कौन, हुकूमत की जानिब से रखी जा रही? ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ की वापसी से भी मशरूत है ये चीज, अगले सेटअप से भी मशरूत है और जो इंटरिम गवर्नमेंट आपकी आनी है उससे भी मशरूत है। तो ये बेसिकली अभी भी मैं समझता हूँ कि पूरी दयानतदारी से हुकूमत जो है इस डायलॉग के अंदर शामिल नहीं हो पा रही। शाह साहब, आपने मियां साहब की वापसी का तस्करा किया, आज से दो रोज कबल अयाज सादिक साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून का एक रेनाउन चेहरा है, सीनियर क्यादत में शुमार होता है उनका, उन्होंने एक बात कही कि जनवरी के महीने में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापसी आ रहे हैं और हमने देखा कि उसी दिन एक अहम मुलाकात भी हुई, लेकिन उसके बाद कोई चीज बाहर निकल के नहीं आई,
तो आपको लगता है कि मियां साहब की वापसी एक बड़ी रुकावट है इस तमाम तर मुजाकराती अमल में? मेरा ख्याल है जी, मेरा ख्याल है, क्योंकि मियां साहब की वापसी की जो वो चाह रहे हैं, जिस तरीके से वापसी चाह रहे हैं, उस तरीके से वो सिर्फ अपनी सियासत के बचाव के मुताबिक चल रहे हैं। वो पाकिस्तान की, पाकिस्तान से बालातर होकर नहीं सोच रहे। कुछ कंडीशनल चीजें दर पर्दा ऐसी डिस्कस हो रही हैं जिसके ऊपर अभी तक ये मुदाकात मुफीद साबित नहीं हो रहे। और इसमें तहरीक इंसाफ का क्या किरदार हो सकता है? आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो मौकफ है उसमें कोई लचक दिखा सकती है? देखिए, अगर आप याद करें तो इमरान खान साहब ने पहले भी ये बात कही है कि उनको जो है इससे कोई एतराज नहीं है। वो आए, बेशक करें, सियासत मनवाएं, लेकिन उनका एक देरीना मुतालबा यही है कि अगर आपने मुल्क को इस बुरान से निकालना है तो फौरी और साफ इलेक्शन का इनेकाद करवाया जाए। उसके लिए वो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में अगर उन चीजों को मानने के लिए अगर बहुत सारी आप शराइत रख देंगे तो फिर जाहिर बात है मुजाकरात आपको पता है तातुल का शिकार होते हैं। लेकिन मुजाकरात तो यकीन तौर पे हम देखें, अगर पाकिस्तान मुस्लिम नून या मरियम नवाज साहबा का अगर हम स्टेटमेंट सुने माजी में, वो तो हर बार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात किया करती हैं, वो तो हर बार मियां साहब की वापसी की बात किया करती थी, वो तो हर वक्त आजमी मुस्लिम नून की क्यादत ये कहती है कि मियां साहब को अमली तौर पे सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए, तो ये इजाजत किससे मांग रहे हैं ये मुस्लिम नून की क्यादत? बिल्कुल, वो इस सेटअप से मांग रही है, आने वाले सेटअप से मांग रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट से मांग रहे हैं, और किससे मांग रहे हैं? लेकिन एस्टैब्लिशमेंट तो पाकिस्तान में न्यूट्रल नहीं होती थी। ये न्यूट्रल है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, मेरा ख्याल है इस वक्त तो सबको अपना किरदार अदा करना है, इस वक्त किसी न किसी तरीके से इसको आगे बढ़ना है। असल में देखें आप, फैसल वाड़ा के फैसले के बाद से मियां साहब की वापसी की राह हमवार हो गई है। मियां साहब को उम्मीद है कि वो अदालत से कुछ बेनिफिट ले लेंगे। ये प्रेशर टैक्टिक के तौर पर मुजाकरात यूज किए जा रहे हैं। लेकिन अगर शाह साहब, अगर मैं आपकी बात समझूं कि मियां साहब अब फैसल वाडा साहब के फैसले के बाद से कुछ उम्मीद है कि वो अपने मामलात को भी बेहतर कर सकते हैं, अगर ये हो जाता है तो ये पाकिस्तान के पूरे कानूनी और आईनी सेटअप के लिए एक बड़ा सवालिया निशान नहीं होगा कि एक शख्स जो कि कन्विक्ट हो जाता है, फिर बीमार होता है और फिर मुल्क से बाहर चला जाता है, और फिर जब उसकी सजा खत्म होती है वो मुल्क में वापसी आता है, सियासत में हिस्सा लेता है, और उसकी बीमारी फिर शायद उस हद तक उसके लिए रुकावट का बाइस ही बनती सियासी मामलात की अगर बात करें तो? जी बिल्कुल, ऐसे ही आप देख लें कि अब जिस वक्त नैब से सबको रिलीफ मिल गया, तमाम लोग सेहतमंद है, वो तमाम लोग जो व्हील चेयर से आते थे, वो तमाम लोग जो लाठियां लेकर आते थे, वो तमाम लोग जिनकी कमर में दर्द होता था, वो तमाम लोग सेहतमंद हैं क्योंकि उनको रिलीफ मिल गया। ये हमेशा से मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी रही है कि वो पहले एक प्लेइंग फील्ड बनाते हैं जो उनके फेवरेबल हो, उस प्लेइंग फील्ड से वो खेलते हैं। और ये प्लेइंग फील्ड बनाने में मदद कौन साबित कर रहा होता है? देखिए, उनकी मदद साफ नजर आ रहा है कि कुछ इदारे करते हैं उनकी मदद। अगर आप देखा जाए तो इस 9 महीने को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये जो 9 महीने गुजरे इस रिजीम चेंज के बाद, शहबाज शरीफ की हुकूमत के, जी आप मुझे बताएं इसमें आवाम को क्या बेनिफिट हुआ? पाकिस्तान कितना आगे गया? पाकिस्तान तो पीछे चला गया, और पाकिस्तान तो बिल्कुल डिफॉल्ट के उस पर आ गया। ये जो चैंपियन बनते थे माशियत के, अब तो उन्होंने भी घुसने टेक दी है। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि सलमान शहबाज साहब की वापसी अब हो रही है, और ये भी बड़ी डिफरेंट सूरत हाल है कि वो तमाम तर लोग जो कि पाकिस्तान से खुद साख्ता जिला वतनी के तौर पे पाकिस्तान से दूर थे, अब वो वापसी आ रहे हैं, उनके मुकदमात भी जैसे कि आपने कहा कि खत्म होते नजर आ रहे हैं। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट इस एतबार से मुस्लिम लीग नून के लिए कि उनकी तमाम तर क्यादत और उनकी तमाम तर फैमिली भी अब वो पाकिस्तान में बआसानी ट्रेवल कर रहे हैं, और वो अपनी मामलात को, रोजमर्रा के मामलात को बहुत आसानी के साथ तय कर रहे हैं। देखें मुनीर भाई, ये एक मेरा ख्याल बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ रहे हैं आप इस गुफ्तगू के अंदर अदलिया के लिए। ये अदलिया को देख रहे हैं कि अदलिया किस हद तक इस निजाम के साथ चल रही है या इस निजाम को सपोर्ट कर रही है। और आपको लगता है कि ये जो सूरत हाल जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, कोई इसमें बईद नहीं कि बहुत जल्द मियां साहब को भी एक बड़ा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे और वो बहुत जल्द पाकिस्तान की सियासत में फिर से एक्टिव होते हुए दिखाई दे? देखिए मुनीर भाई, मियां साहब तो जिस वक्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली थी तो बॉलर्स और अंपायर्स भी वो अपनी मर्जी के रख कर फिर मैच खेलने के लिए जाते थे, तो आप उनसे कुछ भी जो है उनसे कर सकते हैं उनके बारे में? ठीक हो गया शाह साहब, आपका मौकफ आ गया। यकीन तौर पे ये बड़ा अहम मामला है कि पाकिस्तान में इस वक्त जिस अंदाज से सियासत हो रही है, सियासत के मामलात
चलाए जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अहम होगा कि आने वाले दिनों में मुज़ाकरात कहां पे होते हैं और मुज़ाकरात का जो जो सोर्स है, आखिरी जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या निकल के आता है। एक जाने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क्यादत है वो इस मौकफ पे पूरी तरीके से डटी हुई नजर आती है कि जब तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि वो मामला जिसको वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और अमली तौर पर सियासत में शमूलियत जिसको जब तक नहीं होगी, पाकिस्तान मुस्लिम नून अपने मौकफ से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि मुत्तहिदा हुकूमत में एक बड़ा अहम रोल इख्तियार करते हुए नजर आ रही है, उनके मामलात अपनी जगह। तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं वो भी बहुत ज्यादा क्लियर हैं कि वो किसी भी तौर पे इस सूरत-ए-हाल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और जो उनकी पोजीशन है वो उसके ऊपर आज भी बरकरार नजर आते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक डेडलॉक नजर आ रहा है, एक ऐसा मामला नजर आ रहा है कि आज किसी भी के हाथ में कुछ भी शायद उस तरीके से नहीं कि एक डिसीजन मेकिंग कर सके अपने तय। उम्मीद करते हैं कि जो हो बेहतर हो, लेकिन कराची की सूरत हाल में बड़ी तब्दीली आई है। कराची के वालों के लिए, कराची में रहने वालों के लिए और कराची शहर के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट है, उसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चल के एक ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद हाजिर होता। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।